अजिंक्य के मुंडे ऐसी एवन क्वालिटी की जोड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे? तीन ओवर का मुकाबला है दोस्तों, बड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, रिप एंड टप मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। पहला मुकाबला हमने देखा एक तरफा मुकाबला देखने के लिए मिला था, क्योंकि रन ज्यादा बनाए थे, 68 रन बनाए थे, उसमें 40 रन की पारी खेली थी साहिल दरे नामक खिलाड़ी ने, सुपरस्टार खिलाड़ी। और नितलस टीम आपको कहीं जाना नहीं है इस मुकाबले में, जो टीम जीतेगी वो आपके साथ दूसरे राउंड का पहला मुकाबला मतलब कि सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज प्रणय शेल के, गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। ऑन स्ट्राइक गन पर विनायक पाटिल और नॉन स्ट्राइक गन पर अजिंक्य मुंडे, ऐसी जोड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। मेनल्टी पावर पे में गेंदबाजी करेंगे दो खिलाड़ी, 38 सर्कल के बाहर नजर आएंगे। एक खिलाड़ी देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में, और बाकी के 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर नजर आएंगे। चारों तरफ आपको हरियाली देखने के लिए मिलेगी और बीच में यह मोह गांव का सुसज्जा मैदान आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम ये श्रृंखला एंजॉय कर रहे दोस्तों, मोरिया चषक 2024 का यह शानदार पर्व, और यह चलता हुआ पहले दौर का दूसरा मुकाबला। चलो अंपायर मुकाबला चालू करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ गेम ऑन, 3-2-1 दैट इज द प्ले, राइट हम ओवर द विकेट से। इस बार इस गेंद को सीधा छोड़ दिया था, ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों में यहाँ से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। श्री गणेशा करते हुए गेंदबाज प्रणय शेल के, और एक रन लगती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद खराब डाली है गेंदबाज प्रणय नामक गेंदबाज ने। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार गेंदबाज तैयार, राइट हम ओवर द विकेट से। इस बार उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधे बल्ले से इस गेंद को कन्वर्ट करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क जुड़ा नहीं, सीधी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तान में, चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, पहली गेंद जरूर खराब डाली थी लेकिन दूसरी गेंद डॉट डालते हुए नजर आएंगे गेंदबाज प्रणय शेल के। शानदार शुरुआत गेंदबाजी की करते हुए नजर आएंगे विनायक पाटिल, आप ऑन स्ट्राइक पर देख सकते हैं। इस खिलाड़ी की भी हमने काफी मर्तबा बल्लेबाजी देखी है, अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती, फिर एक बार वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों में यहाँ से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। दो रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर, एक गेंद अच्छी डाल रहे गेंदबाज प्रणय शेल के, तो एक गेंद खराब डाल रहे, अभी तक का ये कॉम्बिनेशन रह चुका है इस गेंदबाज प्रणय शेल के का। दो रन देख सकते हैं ऑन बोर्ड पर, एक गेंद डाली और दो रन खर्च किया अतिरिक्त के स्वरूप में। इस बार बल्ला जरूर घुमाया, बल्ले का बाहरी किनारा, पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, यहां से लौटना पड़ेगा ये लगता हुआ, यहां से कोल की टीम को पहला कर रहा झटका, बैक टू पवेलियन विनायक पाटिल। जैसी बल्लेबाजी होनी चाहिए थी वैसी बल्लेबाजी हुई नहीं, निराश होंगे खुद के ऊपर। अप्रतिम धुन डीजे मास्टर के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। मिडिल ऑर्डर के सबसे ताकतवर खिलाड़ी पारस मैदान के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, पारस पाटिल। और यहां से दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाला गेंदबाज प्रणय शेलके ने, पहली सफलता अपने नाम करते हुए। दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, पहला ओवर आपको प्रोग्रेस पर नजर आएगा। इस बार लोअर फुल टॉस, गेंद डाली थी मारने में चुके हैं, डांडी गुल कर दिया, 15 का हो गया, 16 वाला लग गया, आई जवानी पटरी पे होगी तेरी डांडी 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 गुल। थैंक यू सो मच साजन, इनाट नंबर 4 के खिलाड़ी मैदान के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे आपको। साजन मुंडे इनाट नंबर 4 के खिलाड़ी यहां से मैदान के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। लगातार दो गेंदों में दो विकेट चटकाई है, पहली हैट्रिक विकेट हैट्रिक लगाई जाएगी क्या गेंदबाज प्रणय शेलके के माध्यम से। साजन मुंडे इनाट नंबर 4 के खिलाड़ी आपको मैदान के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ड्रेस कोड अनिवार्य है लेकिन कोई बात नहीं है,
गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। ओवर फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में थी, गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी। थर्ड स्लिप में खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे, उठाएंगे, फेंकेंगे। तब तक एक चिक्की सिंगल और सिंगल के साथ अपने पारी का आगाज टीम का अकाउंट ओपन करते हुए नजर आएंगे। कुल टोटल की बात की जाए तो 3 रन ऑन द बोर्ड पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 रन आपको देखने के लिए मिलेंगे। गेंदे समाप्त हो चुकी है, 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी इस ओवर की आखिरी एक गेंद का खेल बाकी है। माफ कीजिए दोस्तों, इंसान इंसान से गलतियां होती रहती है। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बाकी है। और कुल टोटल देख सकते हैं 3 रनों के ऊपर। जैसे पतंग उड़ाने के लिए मांझा की जरूरत होती है, वैसे खिलाड़ी को मांझा बनना पड़ेगा अपने टीम को अच्छा टारगेट सेट करना है तो। बल्ला जरूर घुमाया था, बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क देखने के लिए नहीं मिला। फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं देखने के लिए मिला। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 1-2 का गो हो चुका है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज प्रणय शेल के तैयार होंगे राइट आर्म राउंड द विकेट से इस ओवर की आखिरी गेंद लेके। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद डाली थी, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन में, गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी प्रवीण शेल के, उठाएंगे फेंकेंगे। तब तक एक चिक्की सिंगल, इसी के साथ एक पहले ओवर का खेल समाप्त होता का शानदार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले गेंदबाज देखिए, हमने प्रणय शेल के 2 विकेट चटकाई और रन खर्च किए केवल दोस्तों 4। हेलो, चलो नए गेंदबाज गेंदबाजी में आपको परिवर्तन नजर आएगा। प्रवीण शेल के गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। खुद की ओर से पहली टीम की तरफ से दूसरी गेंदबाजी, दाएं हाथ के खिलाड़ी आपको ऑन स्ट्राइक पर आएंगे नजर आएंगे अजिंक्य मुंडे और साजन मुंडे। ऐसी जोड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी कोलकाता टीम की। 3 ओवर का मुकाबला है दोस्तों, 3 ओवर में यहाँ से 20-25 रन बनाने पड़ेंगे कोलकाता टीम को अगर अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाली टीम भी देखी जाए, गावदी पाली टीम उतनी ताकतवर टीम मानी जाती है, तो उस टीम के सामने खेलते हुए अच्छा टारगेट सेट करना बेहद जरूरी होगा। गेंद दबा में है, विकेट कीपर इस गेंद का पीछा कर रहे थे लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं, सिंगल तो रोक नहीं पाएंगे। सिंगल के साथ कुल टोटल में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, 5 रन ऑन द बोर्ड पर नजर आएंगे। पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है, प्रवीण शेल के गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते नजर आएंगे आपको। तो 5 रन देख सकते हैं ऑन ओवर पर, पहली गेंद डाली है गेंदबाज प्रवीण शेल के ने। फिर एक बार प्रवीण तैयार, इस बार धीमे गति से इस गेंद को डिलीवर किया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती भी वाइड गेंद का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों में यहाँ से बढ़ोतरी होती नजर आएगी। 6 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। पहली गेंद अच्छी डाली थी, दूसरी गेंद खराब देखने के लिए मिलेगी प्रवीण के माध्यम से। इस बार हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी, उठाएंगे फेंकेंगे। तब तक एक चिक्की सिंगल यहाँ से 2 खिलाड़ी पूरा करते हुए नजर आएंगे। मिड विकेट में खेला था वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक थ्रो किया तब तक एक चिक्की सिंगल देखने के लिए मिली। सिंगल के साथ 7 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, चौके छक्के कब देखने के लिए मिलेंगे। ये वाइड गेंद का इशारा तबा अतिरिक्त रन में यहां से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। 2 गेंद खराब देखी है गेंदबाज प्रवीण शेल के माध्यम से। इस बार शॉर्ट अप लाइन की गेंद डाली थी, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी, उठाएंगे फेंकेंगे। तब तक एक चिक्की सिंगल यहां से पूरा करते हुए नजर आएंगे। सिंगल के साथ दूसरी को कन्वर्ट, तीसरी में कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे।
एक रन शॉट है निश्चित तौर से अंपायर का डिसीजन आ चुका है। चलो अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना है, अंपायर का डिसीजन अंतिम रहेगा और उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। पहले ही सूचित कर दिया था आपको, अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना है, अंपायर का नियम अंतिम रहेगा। ये रन कितने अंपायर, दो रन ही मिलेंगे। दो रनों के साथ टीम की कुल टोटल की बात की जाए 1-0 10 रन, गेंदे समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तीन गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी इस ओवर की तीन गेंदों का खेल बाकी है। अच्छी गेंदबाजी यहां से करते हुए नजर आएंगे, बल्लेबाजी कब अच्छी देखने के लिए मिलेगी। दमखम रखते खिलाड़ी साजन मुंडे, लेकिन दमखम दिखाना पड़ेगा। गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी, थोड़े से लड़खड़ाए, नजर हटी, दुर्घटना घटी। काफी तेजी से रोहित नामक खिलाड़ी आए थे, लेकिन खिलाड़ी थोड़ी से लड़खड़ाए, जहां पे एक था वहां पे दो गमाने पड़ रहे। दो रनों के साथ 12 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। चार गेंदों का खेल मैच समाप्त हो चुका है, अभी भी इस ओवर की दो गेंदों का खेल बाकी है। दूसरा ओवर आपको प्रोग्रेस पर नजर आएगा, यहां से अच्छी बल्लेबाजी कब देखने के लिए मिलेगी। बल्ले का बाहरी किनारा, तू चल मैं आया, टपका रे टपका, एक ओवर टपका, दो में से एक गया, एक का मटका, एक ओवर लगता हुआ यहां से कोल की टीम को कर रहा झटका, झटके पे झटके दिया जा रहा है। से हीरा निकलता है, वैसे खिलाड़ी को हीरा बनना पड़ेगा। दुनिया झुकती है दोस्तों, झुकाने वाला चाहिए, रन बनते हैं दोस्तों, रन बनाने वाला चाहिए। लेकिन प्रवीण शेल्के की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे आपको। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, पीछे परेश शेल्के तैनात है फर्स्ट स्लिप में, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। परेश पाटिल खिलाड़ी तैनात थे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक और विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, लगातार की दो गेंदों में दो विकेट निकाली है प्रवीण शेल्के ने। इसी के साथ हुआ दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नीलेश शेल्के गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। नौ स्ट्राइक पर अनिकेत और ऑन स्ट्राइक पर अजिंक्य, ऐसी कोलकाता टीम की आपको जोड़ी देखने के लिए मिलेगी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार पहली गेंद के ऊपर डांडी गोल कर दिया है, एक और विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, यहां से लौटना पड़ेगा अजिंक्य मुंडे को। की करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज नीलेश शेल्के, पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाया, चार विकेट गिर चुकी है अभी तक देखा जाए तो कोलकाता टीम की।
पांच विकेट गिर चुकी है, माफ कीजिए दोस्तों, पांच विकेट गिर चुकी है। इनाट नंबर सात के खिलाड़ी राकेश आपको ऑन स्ट्राइक गेंद पर नजर आएंगे। पांच गेंदों का खेल बचेगा यहाँ से कोलकाता टीम के खेमे में। अगर पांच गेंदों में दो विकेट आते हैं तो अच्छा टारगेट सेट हो सकता है, लेकिन दो विकेट आएंगे क्या ये भी देखना बेहद जरूरी होगा। बारह रनों के ऊपर पटरी रुकी हुई है, इस पटरी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस बार बल्ला जरूर घुमाया था, बल्ला जरूर घुमाया था, कहीं पे निगार कहीं पे निशाना, ना आओ ना देखा ना पाओ ना देखा, बल्ला जरूर घुमाया था। गेंद सीधी जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में, चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता, डॉट गेंद की हुई समाप्ति और कुलटर वहां पे रुका हुआ है बारह रनों के ऊपर। चार गेंदों का खेल बचेगा यहां से। दिल्ली तो बहुत दूर है दोस्तों, ट्रेन से नहीं एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, हवाई अड्डे चलाने पड़ेंगे। लेकिन उठा के खेलना चाहते थे खिलाड़ी राकेश, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क जुड़ा नहीं। गेंद के नीचे आएंगे प्रवीण शेल के, उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक एक चिक्की सिंगल दो खिलाड़ी पूरा करते हुए नजर आएंगे। गेंदों समाप्त हो चुके, तीन गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, तेरह रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। आखिरी तीन गेंदों का खेल बचेगा, क्या गेंदबाजी चल रही है मैदान के अंदर। केवल तीन गेंदों में एक रन खर्च किया और एक की विकेट चटका है, कंजूस भरी गेंदबाजी, सटीक लाइन की गेंदबाजी, लाइन लेन में गेंदबाजी देखने के लिए मिलेगी। राकेश खिलाड़ी दमखम रखते हैं, लेकिन दमखम दिखाना पड़ेगा, चौका छक्का लगाना पड़ेगा एक तीन गेंदों में। इस बार इस गेंद को खेला मिड ऑफ में, गेंद ट्रैवल होती भी मिड ऑफ में खेला, गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑन में। राहुल भुईर गेंद के नीचे आएंगे, उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक दो रन वन रन शॉट, एक रन शॉट है और यहां से सिंगल ही मिलेगा, सिंगल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमारे चाणक्य अंपायर वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, उनका भी हम खास करके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इतना ध्यान है। 14 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। चार गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी इस इनिंग की दो गेंदों का खेल बाकी है। इस बार उठा के खेलना चाहते थे, इस गेंद को खेला मिड ऑन में, गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑन में, गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी, उठाएंगे फेंकेंगे, रनआउट का मौका बन सकता है, मौका बन चुका है, एक खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। राकेश बैक टू पोलैंड। नंबर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 6-4-3-2 या फिर डॉट गेंद या फिर कुछ और। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नीलेश तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट से अच्छी गेंद डाली थी, खुद के निकाला इस गेंद को, दूसरी का प्रयास जरूर करना चाहेंगे, रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन थ्रो गलत जगह फेंका, मैं तो कहना चाहूंगा रोहित ने। ये दो मिलेंगे दो रनों के साथ। टीम की कुल टोटल की बात की जाए तो 17 रन, यहां से बात की जाए कोलकाता टीम ने रनों की इन्वेस्टमेंट कम की है। कल के दिन में हमने देखा था, क्या मुकाबला देख रहा था नांदगांव टीम के मैदान के अंदर, शिवकर बनाम तिरंगा, शिवकर बनाम वहां पे मुकाबला हुआ था, जनमान बोरले ऐसा मुकाबला हुआ था, तो गेंदे थी वहां पे दो ओवर का मुकाबला हुआ था और रन बनाए थे बोरले टीम ने सिर्फ 12 रन बनाए थे और 13 रनों की जरूरत थी वहां पे उस मुकाबले में, और वो मुकाबला जीता था दोस्तों बोरले टीम ने। क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, लो स्कोरिंग का मुकाबला ऐसा कहा जाता है कि लो स्कोरिंग के मुकाबले हाई वोल्टेज देखने के लिए मिलते हैं। यह मुकाबला किस तरह देखने के लिए मिलेगा, मुकाबला कौन जीतेगा, किस तरह से गेंदबाजी होगी, किस तरह से बल्लेबाजी होगी, इसका हालचाल बताने के लिए हमारे करीबी दोस्त आकाश सेल के मन प्रम चिंचोली।
थैंक यू, स्वागतम सुस्वागतम पुनः एकदा आलेल्या सगळ्या क्रीडा रसिकांचं आणि मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या आयोजन कमिटीचा खास करून मोरिया ग्रुपच्या माध्यमातून मनपूर्वक मनपूर्वक स्वागत आहे. मोरिया चषक 2024 एक सुंदर अशी क्रिकेटची स्पर्धा आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला एका दिवसातील. या खरं तर शर्यतीचे मैदान मोहो या मैदानावरती रंगलेली एक दर्जेदार अशी क्रिकेटची स्पर्धा. या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय तब्बल 25,000 रुपये इनाम राशी आणि त्या समेत 12 संघांना आज प्रवेश. यूट्यूब लाईव्हमध्ये PTCच्या वाहिनीवरून ही स्पर्धा थेट प्रकाशित केली जाते यूट्यूबवरती. घरबसल्या प्रेक्षकांना देखील या स्पर्धेचा आनंद मिळत आहे आणि अशा पद्धतीनं एका सुंदर अशा क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला प्रशांतदा मात्रे त्यांचे सगळे सहकारी मोरिया ग्रुप या ग्रुपतील सगळे सदस्य आज एक सुंदर अशा स्पर्धेचं आयोजन त्यांनी केलेलं आहे. खास करून मोठ्या स्पर्धेला लाजवेल असं आयोजन मोह गावातील एक भव्य दिव्य असं आयोजन त्यांच्या माध्यमातून जिथे मालिकावीरसाठी स्पोर्ट्स सायकल आहे, उत्कृष्ट फलंदाज उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी कूलर आहे आणि स्पोर्ट्स शूज देखील आपण पाहतोय खेळाडूला इथे देण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारचं हे एक दमदार असं आयोजन आपल्याला सगळ्यांना बघायला मिळत आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा आपण जाऊ मैदानाच्या आतमध्ये जिथे गावदेवी पाली महेंद्र यांचा संघ पंचांकडून ग्रीन सिग्नल. यस, सामना चालू त्यांच्या अगेन्स्ट कोळखे जर्मन कोळखे दोघांमध्ये असेल मॅच. दुसऱ्या इनिंग मधील पहिला चेंडू गोलंदाज सज्ज. फुल टॉस बॉल, पहिल्याच बॉल वरती बाहुबलीचा तडाखा, षटकार आउट ऑफ द पार्क. असलेला एक चांगला फलंदाज इथे पहा. ही मिस्टेक, या मिस्टेक मी म्हणेन खलतील टीमला. इफर्ट देण्याचा प्रयत्न चालू आहेत कोळखे टीमच्या माध्यमातून. फेकी देखील छान, कलेक्शन देखील सुंदर पाहायला मिळालं. आपण जर पूर्णत्व विचार केला या स्पर्धेचा खास करून इथे आपल्याला पाहायला मिळेल ज्या पद्धतीनं खरं तर मैदानामध्ये फलंदाजी झाली पहिल्या आपमध्ये, तिथे मी म्हणेन थोडी वीक फलंदाजी पाहायला मिळाली. कारण की या मैदानावरचा आराखडा जिथे हायर स्कोर बनण्याची खरं तर दाट शक्यता असते. गोलंदाजी सुंदर आहे इथे. हा गुडलँड स्पॉटचा आपटी पार बॉल अगदी खूप वेगानं बॉल खरं तर ट्रॅव्हल झाला. गोलंदाजीसाठी आलेला गोलंदाज प्रशांत जाधव यानं छक्का खाल्ल्यानंतर आपण पाहिलं की असं वाटलं की मानसिक दडपण येणार, परंतु असं काहीच घडलं नाही. 18 टार्गेट मैदानाच्या आतमध्ये खेळण्यासाठी 18 बॉलमध्ये 18 हव्यात, त्यामधील 8 आल्यात. आता फक्त आणि फक्त 10 धावांची गरज. जर्मन कोळखे आणि गावदेवी पाळी या दोघांमध्ये मॅच. फटका तडाके बंद महेंद्र, सुंदर फटका. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज देखील तयार. काय गोलंदाजी पहा, नो बॉलचा इशारा. वेग भरपूर आहे, एलिगेशन छान आहे, परंतु लाईन मी म्हणेन कुठेतरी विस्कलित होत आहे हा खेळाडू. या गोष्टीवरती नक्कीच मी म्हणेन विचार विनिमय करणं महत्वाचं आहे. पुढील जो सामना असणार आहे बघा, आदई आणि तरगर. पुढील सामना जो आहे तो आदई आणि तरगर या संघा दरम्यान इथे खेळला जाईल. मी दोन्ही टीमचे कॅप्टन त्यांना विनंती करेन की आपण टॉस साठी यायचं आहे. पहिल्या फेरीतील ते सामने जे विनर वर्सेस विनर सामना देखील खेळवायचा आहे. रिपोर्टिंग करा आदय आणि तरगर तुम्ही, आणि त्यानंतर टॉस साठी आपण नितलस टीम आणि इथून जो संघ जिंकेल तो त्यांच्याशी खेळेल असे सामने असतील असा शेड्यूल आपण पाहतोय अच्छा संपूर्ण स्पर्धेचा. आजवर आपण जर पाहिलं तर आपल्याला अशा स्पर्धा देखील पाहायला मिळतात जिथे एक दिवसाचं आयोजन परंतु अतिशय दमदार आयोजन, आणि त्यामधील मोरिया चषक हे नाव आपल्यास काही वेगळं नाही आहे. इथे आपण जर बघितलं तर छान अशी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते ज्यामध्ये
मोरिया ग्रुप न खरतर केलेले एक दमदार आयोजन। पहिल्या षटकामध्ये आपण जर बघितलं तर 16 धावा इथे जमा केल्या आणि टार्गेट 18 चा असताना फक्त 2 धावांपासून वंचित। रोहित नॉन स्ट्रायकर एंड वरती उभा राहिला, एक बॉल तो खेळला, डॉट खेळला, त्यानंतर 15 रन्स महेंद्र शेळके या खेळाडूने दिल्या। गावदेवी पाली संघाचा बाहुबली खेळाडू, चांगले चांगले फलंदाज, चांगले गोलंदाज या संघामध्ये आहेत। पाली म्हटलं तर मग टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरची ही खरं तर नामांकित संघांची नावं, अनेक स्पर्धांमध्ये अनेक चांगल्या चांगल्या संघांना परास्त करत, धूळ चारत, खडे चारत, पाणी पाजत, आसमान दाखवत आज आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरचे कोहिनूर बनलेले आहेत। आणि त्या गावातील एक संघ कोळके संघाच्या अगेन्स्ट, कोळके म्हटलं तर तो देखील तितकाच चांगला एक्सपिरियन्स संघ आहे। अलीकडच्या काळामध्ये कोळके नाव आपण पाहिलं होतं, खरं तर गाजत राहिलं होतं, परंतु आज महेंद्र शेळकेच्या पाळी संघासमोर त्यांची कुठल्याही प्रकारची डाळ दळली नाहीये आणि अशा पद्धतीनं या बॉलवरती एक मोठा फटका घेत पाळी संघानं हा सामना 100 जिंकलेला आहे। वेल प्लेड।